नाज़रीन आदाब, अल मंसूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट एक बार फिर फेसबुक लाइव के जरिए हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ नौजवान मुमताज और जवान दिलों की धड़कन संसार तरन्नुम जनाब जमील अख्तर शफीक साहब आपके बीच हाजिर हैं। जमील साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं आपकी अदबी सफर कैसे शुरू हुई, इसके बारे में तफसील से आप नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अल मंसूर एजुकेशनल के पूरे अराकीन बिलखसूस डॉक्टर मंसूर खुशतर साहब का कि आपने इस लायक समझा के एक अतना से शायर को अपने बीच मधु किया गुफ्तगू के लिए। बात सवाल यह आपने किया कि आपने अदबी सफर का आगाज कैसे किया, तो इस सिलसिले में यह है कि जो आम तौर पे होता है हमारा अदबी सफर भी एक हादसा है, बस हादसाती तौर पर जिंदगी में कुछ ऐसे नशेबो फराज, कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसी बातें आती गई। पास जब देता था तो मुझे यूं महसूस होता था कि तब मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ वाकईतन मैं शायरी कर सकता हूँ, कह सकता हूँ। इब्तदाई दिनों में मैंने एक आख शेर यूं ही मैं कहता था और मेरे एक उस्ताद हुआ करते थे अबुल बयान साहब रिफत सल्फी, जो इस वक्त आई प्लस टीवी चैनल में एक खतीब हैं, तो उस जमाने मेरे उस्ताद थे। मैं उनको अपनी छोटी छोटी तख्लीक दिखाया करता था और वो उन तख्लीकात की सलाह किया करते थे। को मैं पढ़ सकूं या समझ सकूं, बस ये है कि तख्लीकात जो जहन में आते थे, जो चीजें बाहर आती थी, मैं उनसे ही सलाह लेता था इब्तदाई दिनों में। अब इसमें एक अहम बात ये कहने की है कि जब मुताला, चूंकि शुरू से मुताले का जो जौक रहा वो मेरा वो बहुत ज्यादा रहा, मैंने नींद और आराम की परवाह कम की, पढ़ाई ज्यादा की, तो सेल्फ स्टडी की वजह से ऐसा हुआ कि मतलब धीरे धीरे हमारा शूर पुख्ता होता गया। और उसके बाद ये कह लीजिए कि बाज़ाब्ता तौर पे अगर शायरी के आगाज की अगर बात करें तो मुझे एक बहसियत शायर मैंने शायरी जो शुरू की कि मुझे खुद भी एहसास हुआ कि आप शायरी मैं कर सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ, और लोग दादो तहसीन से जब नवाजते थे तो मुझे लगने लगा कि हाँ मैं शायरी करने के लायक हो गया हूँ। तो ये वो जमाना 2005 का था जब मेरे बाज़ाब्ता शायरी सफर का आगाज हुआ। जी जमील साहब, एक और बात हम जानना चाहेंगे, नई नस्ल के शोरा से आपके आपका ताल्लुक है, किन किन शोरा से आप मुतासिर हैं नई नस्ल में? देखिए, नई नस्ल में चूंकि अगर मुशायरे की बात करें तो मुशायरे के बारे में तो मुतासिर होने और ना मुतासिर होने का कोई मेयार अगर आप ये कहें आज के जमाने में तो शायद ये कहिए कि अदब के साथ जबर हो जाएगा। लेकिन अगर नई नस्ल के शोरा की अगर बात करें तो अगर बिहार के चंद लोग अच्छी शायरी कर रहे हैं, उनमें एक अहम नाम कामरान गनी सभा का है। फिर यह है कि आप खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शायरी करते हैं डॉक्टर मंसूर पुश्तर साहब, और फिर उस तरीके से एक नई नस्ल में एक नया लड़का है इनाम अजमी करके, इनाम अजमी, तो मैंने उसकी कुछ शायरी पढ़ी है, कुछ तख्लीकात पढ़ी है, और मुझे यूँ महसूस होता है कि शायद उसका मतलब उसकी जो शेरी जो फहम है, अगर वो उसी रौ से पूरे चाव के साथ अगर वो चलता रहा तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद उसके अंदर वो सारे सिफात मौजूद हैं जो किसी भी शायर को मतलब सदियों जिंदा रखने में अहम रोल अदा करते हैं। तो वो सारी खसूसियात उसके अंदर मौजूद है और मैंने कई चीजें उनकी पढ़ी हैं। तो बिहार के हवाले से खासतौर से अगर बात करें तो इनाम अजमी,
और कामरान गनी सभा से बिलखुसूस अच्छे तवक्कुआत किए जा सकते हैं मुस्तकबिल में। अब आप बीच में अपने कुछ कलाम से हमारे सामने को महसूस करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि चूंकि यहाँ पर अहले अदब का काफिला है और आपके तवसुस से चूंकि जो लोग भी लाइव देख रहे हैं वो सभी लोग बाशूर और बालियाकत और फिर ये कहिए कि अदब की सही फहम रखने वाले लोग हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ उसी नौयत के अशार आपके बीच पेश करूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। दिल भी जिद्दी है वही जख्म पुराना ढूंढे, दिल भी जिद्दी है, दिल भी जिद्दी है वही जख्म ढूंढे, उनसे मिल मिल के, उनसे मिल मिल के बिछड़ने का बहाना ढूंढे, उनसे मिल मिल के फिर तेरी बज़्मों में रुसवा ना कहीं कर दे मुझे, फिर तेरी बज़्म में रुसवा ना कहीं कर दे मुझे, अश्क आंखों से। और ये शेर देखें, मेरी खुददार तबीयत का तकाजा है अलग, मेरी खुददार तबीयत का तकाजा है अलग, कैसे ये सर, कैसे ये सर किसी कमज़ोर का शाना ढूंढे, कैसे ये सर किसी कमज़ोर का शाना ढूंढे, दिल भी जिद्दी है के ये जीना कोई जीना है शफीक, जिंदगी ऐसी, जिंदगी ऐसी जियो तुम के जमाना ढूंढे, जिंदगी ऐसी जियो तुम के जमाना ढूंढे, दिल भी जिद्दी है वही जख्म पुराना ढूंढे, उनसे मिल मिल के, उनसे मिल मिल के बिछड़ने का बहाना ढूंढे, दिल भी जिद्दी है। शुक्रिया। क्या बात है, दिल भी जिद्दी है उनसे मिलने का बहाना ढूंढे। बहुत सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। आपकी शायरी में सियासी मौजूदात को जगह दी जाती है। हमारे कई बड़े शोरा बहरात सियासी मौजू में शायरी को नहीं लाते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत सारे हमारे शोरा जो सियासी मौजूदात को अपनी शायरी में जगह नहीं देते हैं। मुझे सिलसिले में डॉक्टर आदित्य धोरी का एक शेर याद आ
जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। तो हम ये देखते हैं कि भाई शायरी जाहिर है एक शायर किसी मावराई दुनिया का मखलूक नहीं होता है, वो इसी दुनिया में सांसें लेता है, जीता है, बजाबता वो सियासत का हिस्सा है, जैसे खाना पीना, जैसे उसके अंदरूनी मसाइल, जैसे शायरी में उस गम को और विसाल, वसल और हिजर और इस तरह की जो कैफियत होती हैं, उन सारी चीज़ों को जैसे वो जगह देता है अपनी शायरी में, जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो सियासत जब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और कहीं ना कहीं सियासत से बराह रास्त हम मुतासिर भी होते हैं, और सियासत अगर गलत डगर पर अगर चल जाए और सियासत की अगर गलत तकीब होने लगे, गलत किस्म के लोग अगर हमारे बीच सियासत अगर करने लगते हैं या आ जाते हैं, तो उससे हमारी आम जिंदगी मुतासिर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी है या मसाइल हैं अगर सियासत के हवाले से, तो जिस तरीके से आम लोग सड़कों पे निकलते हैं या आम लोग जैसे आजकल हिंदुस्तान में जंतर मंतर पे जो जो हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, यहाँ की तहजीब है, इसके खिलाफ और जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है उसमें सभी तबके के लोग आए सड़कों पर, तो ये दरअसल हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिससे हम इनकार करके नहीं चल सकते। तो जैसे आम लोग किसी न किसी तौर पर एहतजाज की एक शक्ल होती है, जो जो इंसान जितनी इस्तेदाद रखता है उसके मुताबिक वो चाहता है कि अपना वो एहतजाज दर्ज कराए और लोगों को बताए कि भाई हम मतलब ऐसा नहीं है कि आबादी के बीच में रह करके हम किसी जंगल में रहते हैं या सहरा में रहते हैं, या फिर यह है कि दुनिया से दुनिया को हमने त्याग दिया है, हमें दुनिया के मसाइल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम दुनिया के मसाइल में दुनिया में रहते हुए दुनिया के मसाइल का सामना अगर हमको करना पड़ता है और सारी चीजों को हम खुली आंखों से देखते हैं, हमारा दिल दिमाग कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहता है, उसमें पूरे तौर पर वो जहन और दिमाग हमारा मुतासिर होता है, तो जाहिर है हमारे मतलब किसी फिलोसफर ने कहा था, मुझे एक बात याद आई कि किसी भी मसले को जैसे जंग अगर मैदान में जीतनी है तो सबसे पहले उसके लिए हम जहन में जंग को जीतते हैं। तो जहन में दिल के अंदर, जहन के अंदर जो खाका हमारे बनता है वही हमारे अमली शक्ल पर उसका अमली शक्ल में उसका जहूर होता है। और शायर अगर जो लोग ये कहते हैं कि भाई शायर सियासत को अपनी शायरी में जगह नहीं दे, तो आप देखिए गालिब का एक शेर याद है कि हुए हैं शह के मुसाहिब फिर है इतराता, वगर ना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है, ये क्या चीज है। दरअसल उसी उस दौर का जो सियासी मंजरनामा था उसी पे तो तंज है। तो एक शायर अगर इग्नोर करके चलेगा सियासत को, तो इसका मतलब यह है कि वो ये बतलाना चाह रहा है कि भाई हम इस दुनिया में नहीं जी रहे। तो अगर हम बल्कि ये कहिए कि एक शायर तो बुनियादी तौर पे एक हसास वजूद का नाम है, और हसास इंसान अपने जिंदगी के इतने कर्मनाक मसाइल से आंखें मूंद कर जिंदगी नहीं जी सकता है, जिस तरीके से जिंदगी के मुख्तलिफ मसाइल में हर तबके के लोग, समाज के ना बरा है जो नाइंसाफी होती है, जो अदालत की जो गैर जरूरी किस्म के जो अहकाम सादिर किए जाते हैं उसके खिलाफ जैसे आम तबके के लोग एहतजाज दर्ज कराते हैं, उसी तरीके से जब एक शायर अपना एहतजाज दर्ज कराता है तो उसके एहसास, उसके जज्बात, बल्कि ये कहिए कि उसका एहतजाज शेरी कालीन में ढल जाता है, तब जाकर के ये महसूस होता है कि हाँ एक जिंदा दिली के साथ एक इंसान जिंदगी जी रहा है। और ऐसा करना या शायरी में सियासत को जगह देना, मैं जहां तक समझता हूँ 21वीं सदी के शायर की ऐसे ऐसे कोई मायूब चीज नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है जमील साहब, अब हम चाहते हैं कि आप कोई नज्म सुनाए हम लोगों को, सबसे प्यारी नज्म आपके पास। मेरी एक नज्म है, बड़ी खूबसूरत नज्म है, मैं ये चाहता हूँ कि उसके कुछ अशार आपके बीच रखूं। और मुझसे मत पूछे मुझे प्यार है कितना तुझसे, मुझसे मत पूछे मुझे प्यार है कितना तुझसे, मैंने धड़कन की हवेली में बसाया है तुझे, मुझसे मत पूछ मुझे प्यार है कितना तुझसे, याद आती है तो बेवक्त बिलक पड़ता हूँ, रोज छुप छुप के अकेले में सिसक पड़ता हूँ, मुझको उलझी
चुभन होती है, कितना नाजुक है मेरा दिल ये बताया है तुझे। मैंने धड़कन की हवेली में बसाया है तुझे। मैं हूं मुजरिम तो कोई ऐसी सजा दे मुझको, प्यार में कैसा मेरा साथ निभाया तूने। सारा इल्जाम मेरे सर पे लगाया तूने। मैं हूं मुजरिम तो कोई ऐसी सजा दे मुझको, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा दे मुझको। गरचे हर हाल में पलकों पे बैठाया है तुझे। मैंने धड़कन की हवेली में बसाया है तुझे। और सबसे प्यारा बंद मुलायजा फरमाए, तेरा वादा था कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, डर के दुनिया के मसाइब से, डर के दुनिया के मसाइब से ना मुंह मोड़ूंगी। तेरा वादा था कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, फिर भी छड़ने की वजह क्या है बता दे मुझको। कोई जो ही सुना दे मुझको, क्या किसी शख्स ने कुछ पढ़ के खिलाया है तुझे। मैंने धड़कन की हवेली में बसाया है तुझे। मुझसे मत पूछ मुझे प्यार है कितना तुझसे। क्या बात है, मुझसे मत पूछ कितना प्यार है तुझसे, क्या कहना है जमील साहब। अब मौजूदा सूरत हाल में आप जो बिहार की सूरत हाल है आज, उस तराजू में आप कुछ बताएं। देखिए बिहार की जो मौजूदा सूरत हाल है, बल्कि ये कहिए कि सियासी अथल पथल है, और जिस तरीके से पूरी बिहार की आबादी इस सूरत हाल में फिक्रमंद है, तो हम तो ये कह सकते हैं कि भाई अगर गाड़ी में अगर हम सफर कर रहे हैं, अगर गाड़ी इत्तफाक से अगर खराब हो जाती है तो बेबसी के आलम में एक मुसाफिर क्या करता है, उसी ड्राइवर के रहमो करम पे मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो अभी जो सियासी मंजरनामा है उसमें मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है कि सियासत का हकीकत में कोई मजहब नहीं होता, यहाँ इंसानियत की बात सब बेकार करते हैं। तो इस तनाजुब में आप देखें कि भाई अगर कोई आदमी ये सोचता है कि भाई हमने किसी को नुमाइंदा बनाया है और मजहबी बुनियाद पर या समाजी या माशरती बुनियाद पर अगर वो हमारे मसाइल को समझ करके अपने सियासी पूरे सफर को आगे बढ़ा रहा है तो ये हमारी खाम ख्याली है। सियासत में बहरे सूरत सियासत बराए सियासत है, सियासत बराए खिदमत या सियासत बराए इबादत, इस तरह के का जो फलसफा है वो आज की जो मौजूदा सियासत है खसूसी तौर पर बिहार की, उसमें से तो एक बात ये समझ में आती है कि भाई एक सियासत का आदमी, सियासी आदमी चाहे जिस जितने बड़े ओहदे पे फायज हो, अपना खून पसीना एक करके, बल्कि अपना जिगर जला करके आप उनको वोट दे करके उनको बड़ी कुर्सी पे बैठाइए, उनको ओहदा दीजिए, बड़ा मकाम दिलाइए, लेकिन जब जिंदगी में स्टेप लेने की जरूरत महसूस होगी, भले ये कहिए कि उनको अगर दूसरी राह का इंतखाब करना होगा तो वो इतनी भी जहमत नहीं करेंगे कि आपकी राय ले या आपसे पूछे। जैसे अभी नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया और फिर जैसे चल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो बुनियादी मसाइल हैं, अगर आप समाज का अगर कोई भी कायद होता है तो वो समाज का खिदमत गुजार होता है, उसको ये चाहिए
मतलब आवाम के सामने इस बात को रखे और थोड़ा सा इंतजार करे। उजलत में दुनिया में कोई भी चीज उजलत में अच्छी नहीं होती है। समाज और ये जो पूरी जो पब्लिक है बिहार की, वो ये तय करती कि आपके बारे में मतलब लोगों की राय क्या है। आजकल तो क्या कहते हैं, सर्चिंग का जमाना है। आदमी अपने वैल्यू पोजीशन को देखने के लिए सोशल साइट और दूसरी जगहों पे लोगों की राय जानना चाहता है कि लोग क्या करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले की भी कोई राय लेकर के मतलब किसी खास फैसले पर पहुंचा जा सकता था, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ ये कुछ जल्दबाजी है और इससे जो पूरा बिहार का जो सियासी मंजरनामा है वो तो बदला ही है, लेकिन जो आम लोग हैं सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में है या आम जो जिंदगी है, जो लोग जिंदगी जी रहे हैं या नजर रखे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बुरी तरह इससे मुतासिर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मतलब जब काम कर रहे हैं आप, 5 साल के लिए किसी चीज का इंतखाब होता है, तो आप पहले ही ये तय कर लीजिए कि भाई आपको कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, नहीं रहना है। आप अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो पे ख्याल रखना होगा। और फिर यह है कि बिहार में अभी जैसे सियासी मंजरनामा बदला, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर नीतीश कुमार कलोकर के वजीर आला अगर बन भी जाते हैं, तो जो बिहार की जो संस्कृति है, बल्कि ये कहिए कि बिहार के अंदर जो अमन अमान की फिजा है, जो हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों के बिलमुकाबिल यहाँ पर जो हिंदू और मुसलमान और सभी समुदाय सभी मजाहिब के लोगों का जो इत्तेहाद है, आपस में जो उफ़ूवत और भाईचारगी है, वो ये हमारे लिए सबसे कीमती और बड़ा सरमाया है। आम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आम लोग अमन और सुकून से रहना चाहते हैं। और से पार्टी बदलती है, आप जहां जा रहे हैं आ रहे हैं ये आपका जाती मसला है, लेकिन कम से कम ऐसा बिहार को रहने दीजिए कि बिहार की आम जिंदगी उससे मुतासिर नहीं हो। यहाँ की जो जो परंपरा है और यहाँ की जो तहजीब है और यहाँ की मिट्टी के अंदर जो खुशबू है, और जिस बुनियाद पर आपको नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर नीतीश कुमार की खिदमात और उनकी कोशिशों को सराहा गया, तो जो भरम और जो पैमाना लोगों ने बना करके रखा हुआ है, तो मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि उस पैमाने को बरकरार रखने में वो हर मुमकिन कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि अल मंसूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जो काम है वो आपकी नजर में है, आप इस पे अपनी कुछ देखिए। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी शख्सियत की बात हो तब या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो तब, मैं जब किसी भी शख्सियत के बारे में या कलम उठाऊं तब या जुबान खोलूं तब या किसी तंजीम के बारे में, बहुत मैं मतलब बगैर किसी हिमायत के गैर जानबदार तरीके से मेरी ये कोशिश होती है कि मेरा जो अपना अपना एक स्टेटस है उसके मुताबिक कोई राय दूं और कहने की कोशिश करूं। मुझे कभी भी मतलब अपनी जिंदगी के पूरे 10 साल सहाफती या फिर ये कहिए कि शेरी किसी सियासी या गैर सियासी जो कदावर लोग हैं उनके पीछे भागने या दौड़ने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। आज जहां हूं, जिस जगह हूं, अपने बलबूते पे हूं, तो मैं कहा जाता है कि जिस चीज की जितनी बुनियाद होती है, मजबूत होती है, उतना ही वो पूरा उसका जो आखिरी तक का हिस्सा होता है वो मजबूत होता है। तो मैं अल मंसूर एजुकेशनल के तहत में भी के सिलसिले में भी मेरी जो आजाद राय है बगैर किसी दबाव के, वो ये है कि अल मंसूर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं अदबी सतह पर, उसमें एक फ़ाल तंजीम की हैसियत से उभर रही है। और बल्कि ये कहिए कि जब मैं दूसरी रियासतों में जाता हूँ, दूसरी जगहों पे, तो मतलब अखबारात और रसाइल के हवाले से इस वक्त खासतौर से 21वीं सदी के अवाइल में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी तंजीम को बहुत ज़्यादा लोग अदब के हवाले से अगर जानते हैं, तो अल मंसूर एजुकेशनल का एक अहम नाम है। और बिलाशुबा इसको सींचने में और इसको लहू से निखारने में खासतौर से डॉक्टर मंसूर पुश्ता साहब आपने जो खिदमत अंजाम दिया है, तो वो नाकाबिले फरामोश है। और उसके असरात देखा कि जिस काम को बहुत से लोग खूबी नहीं कर पाती है, अगर आप इनफरादी तौर पर कोशिश करके अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को, हरी नजर को इकट्ठा करके अगर कोई काम कर रहे हैं, तो मैं जहां तक समझता हूँ कि अगर कोई आदमी किसी के हक में अगर अच्छा नहीं कर सकता है, तो कम से कम खामोश रहने की आदत डाल ले। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, कोई करता है, तो उसको सराहना चाहिए, उसके सिलसिले में अच्छी राय रखनी चाहिए। और अच्छी राय रखने से होता क्या है कि आदमी हमारा समाज और माशरा भी अच्छा रहता है, कोई भी काम अच्छा होता है। तो मैं जहां तक समझता हूँ, मैं एक पैगाम भी देना चाहता हूँ तमाम अहबाब को जो लग अलग अल मंसूर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट से मुतारफ हैं, जहां भी जिस जगह पे हैं, मुल्क में है, बैरून मुल्क में है, उन्हें ये चाहिए कि एक बात आप जहन में रखिए कि अल मंसूर एजुकेशनल बड़ी दयानतदारी के साथ, बहुत खूबी संजीदगी मदानत के साथ काम कर रहा है, हंगामा नहीं कर रहा है। कहा जाता है कि अदबी इंसाफ का तकाजा ये है कि भैया उसकी खिदमात को सराहो, बताओ कि हम माशाल्लाह अच्छा कर रहे हो,
और जब आप कहते हैं ये अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि अफराद के हाथों में अवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में अवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत का मुकद्दर का सितारा, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो मैं जहां तक समझता हूँ फर्द फर्द से जमात तैयार होती है और ये कोशिशें अगर जारी रही तो इंशाल्लाह बहुत रोशनी तो यहाँ से फूटी है सरजमीन दरभंगा से बिहार के, तो ये बहुत दूर तक इंशाल्लाह इसकी रोशनी महसूस की जा सकती है इंशाल्लाह रहमान। चलते चलते जमील भाई आप हमारे नाज़रीन को कुछ अपने और कलाम से नवाजे। अब चूंकि आपने कहा कि सियासत के बारे में तो मैं चार मिसरे जिसके सामने हक बोल कर निकल आया वो इंतकाम के शोलों में जल रहा होगा, वो मुझसे आज मिला है बड़ी मोहब्बत से, जरूर कोई नई चाल चल रहा होगा। चार मिसरे तरन्नुम से समाप्त करें उसके बाद फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। वो ये है कि पूरी शिद्दत से ये एहसास दिला कर रख दूं, पूरी शिद्दत से ये एहसास लत जो थोड़ी मोहलत मुझे मिल जाए अगर अंदर, थोड़ी मोहलत मुझे मिल जाए अगर अंदर से, मैं तेरे जुल्म की याद हिला कर इतनी ईमान में ताकत है दिखा कर रख दूं। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अख्तर सिद्दीक साहब के आप वक्त दिया। नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे अपने दोस्त सभा साहब के साथ फिर कोई नए बड़े शख्सियत के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।